हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल तन्नू की रेसिपी आज की हमारी रेसिपी है ना एकदम खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी जो कि बहुत टेस्टी बनने वाली है और बहुत झटपट से ये बनकर रेडी हो जाती है आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना आपको बहुत पसंद आने वाली है और पूड़ी और पराठे के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दें वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए बनाना शुरू करते हैं इधर हमने आधा के जी कद्दू लिया है पाँच सौ ग्राम इसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया था पहुँच के इसको ले लिया था अभी इसका हम पीस कट कर लेंगे पहले हमें लंबे लंबे पीस इस तरीके से कट कर लेने हैं अगर आप छिक्कल खाना नहीं पसंद करते हो जैसे हम छिक्क्कल के साथ बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी होता है अगर खाना नहीं पसंद करते हो तो छिक्कल हटा भी सकते हो इसके साथ में इधर हमें फिर बड़े बड़े पीस कर लेने हैं उसके बाद हमें करने हैं छोटे छोटे पीसेस ज़्यादा ना बड़े करने ना ज़्यादा छोटे मीडियम साइज़ के इस तरीके से हमें पीस कट करके ले लेना है इधर हमने सारे पीस कट कर लिए इधर कढ़ाई ले ली गैस को ऑन कर दिया दो टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे फिर डालेंगे हम मसाले जीरा डाल देंगे आधी चम्मच आधी चम्मच डालेंगे हम मेथी के दाने और आधी चम्मच सौंप डाल देंगे आधी चम्मच कलौजी डालेंगे आधी चम्मच राई डालेंगे इनको सारे खड़े मसाले में अच्छे से पका लेने हैं मसाले पका लिए इधर हम दो पिंच हींग डाल देंगे हींग ना डाइजेशन बहुत अच्छी होती है हींग को भी अच्छे से हम पका लेंगे इधर मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं उसके बाद हम डालेंगे कद्दू सारा कद्दू एक साथ इसमें डाल देंगे ऑयल हमने इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया था क्योंकि पानी इसमें बहुत कम पड़ने वाला है इधर हमने दो रेड चिली डाली है तो ग्रीन चिली डाल देंगे और सारे खड़े मसाले के साथ ऑयल के साथ इन्हें अच्छे से हम कद्दू को मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया उसके बाद दो पिंच इसमें हमने हल्दी डाली और नमक डाल देंगे क्योंकि इसमें पहले से इसका कलर कद्दू का बहुत अच्छा होता है इसलिए थोड़ी सी हल्दी कम ही डालना है सारी चीज़ों को अच्छे मिक्स करके हम दो मिनट के लिए इसे ढक के अच्छे से हम पका लेंगे दो मिनट हो गए हैं ढक्कन को हटा देते हैं को और अब जी सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर डालेंगे हम कसूरी मैथी इसमें कसूरी मेथी ऐसे ऐसा क्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ही पक जाती है उसके बाद हम डालेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर इधर रेड चिली पाउडर डालेंगे आधी चम्मच सारे मसाले फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए अभी हम तीन से चार मिनट के लिए लिड लगा के अच्छे से पका लेंगे तीन से चार मिनट हो गए लिड को हटा देते हैं और अच्छे से फिर से हम मिक्स कर देंगे इनको नाइन्टी परसेंट तक ये अच्छे से पक चुके हैं कद्दू अभी हम डालेंगे आमचूर पाउडर दो चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकते हो इधर हम एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे इधर चीनी डालेंगे दो चम्मच इसमें खट्टी मीठी ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनने वाली है इसलिए थोड़ी दो चम्मच हम चीनी डाल देंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी को मेल्ट होने तक अच्छे से हमें पका लेना है चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है उसके बाद हम डालेंगे दो चम्मच पानी ज़्यादा पानी बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है मसाले अच्छे से पक जाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके कद्दू को पका लेंगे फिर से हमें दो मिनट के लिए ढक के इसे पका लेना है दो मिनट हो गए इसे हमने ढक के पका लिया है कद्दू की सब्ज़ी एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गई है बहुत ही अच्छी बनी हुई है अभी इसमें हम फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं बारीक कटा हुआ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ये सब्ज़ी ना खट्टी मीठी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट से बन जाती है बच्चों को ना बहुत ही पसंद आने वाली है एक बार आप जरूर ट्राई करना आप टिफिन में भी ले जा सकते हो इसको सूखी सब्जी आप खिली खिली थोड़ा कम पानी डालेंगे तो खिली खिली सब्ज़ी बनती है और ज़्यादा आपको ग्रेवी वाली चाहिए थोड़ा पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो इसमें अभी हम सर्व कर लेते हैं सब्जी को इधर कद्दू की आप इसे पराठे के साथ पूरी के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो रोटी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर देना थैंक फॉर वॉचिंग मिलती है आपको और अगली वीडियो में